हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह प्रश्न आपके 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात यह है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर मैं टिक लगवाता हूँ, जिन्हें आप अच्छे से याद कर सकें। इसीलिए मैं टिक लगवाता हूँ कि आप उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। ओके, तो आइए। यूनिट 14 का नाम है जय बड़ू, पार्ट 12 बना रहा हूँ आज मैं। कुल अंक 4 नंबर के आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का। अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखो। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2020 के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, अल्फा अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन में अंतर लिखो। यह भी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण एवं कार्य लिखिए। यह भी प्रश्न आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लगभग इस यूनिट में मैंने महत्वपूर्ण ही प्रश्न बताए हैं। ओके, जो एक्स्ट्रा याद करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पहले आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करें, जो मैं टिक लगवा रहा हूँ उनको याद करें, फिर आप बाद में आपकी मर्ज़ी जिनको आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो वो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है, विटामिन ए बी सी डी ई के स्रोत कार कमी से होने वाले रोग लिखिए एवं उनके रासायनिक नाम भी लिखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न में से 3 विटामिन ज़रूर पूछे जाएँ, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आएगा इसमें से, इस यूनिट में से केवल 3 नंबर का। ओके, तो यानी विटामिन हर साल पूछी जाती हैं और इस साल भी पूछी जाएंगी, सो आपकी 3 नंबर की विटामिन पूछी जाएंगी। ओके, तो इसी में से आपकी मैं बता देता हूँ, एक तो आपकी ए मोस्ट है, ठीक है, या एक आपकी डी मोस्ट है, ई मोस्ट है, के मोस्ट है। ओके, ये आपकी 4 विटामिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात उनकी जो बची, उनको भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के महत्व लिखिए। छठवा प्रश्न है, एंजाइम क्या है, एंजाइम के 2 उपयोग या कार्य कह सकते हैं, और एंजाइम के 2 उदाहरण लिखिए। सातवां प्रश्न है, प्रोटीन के विकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रोटीन वाला क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी ई के, तो मैं इसमें से आपको, अब इसमें से कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बसा में विलेय, यानी जो बसा में घुल जाते हैं वो वाले विटामिन कौन से हैं, और जो जल में घुल जाते हैं वो वाले विटामिन कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, एक ट्रिक है याद करने की, अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ट्रिक से कर सकते हो। कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा यानी विटामिन के ई डी ए। अब बताइए, कीड़ा कभी पानी में घुलता है क्या, कीड़ा कभी पानी में घुलता है, नहीं घुलता, कीड़ा पानी में पनपता है, इसीलिए ये कैसे हैं, ये जल में अघुलनशील है, यानी ये जल में घुलते नहीं है, ठीक है, ये जल में विलेय नहीं है। ओके, अघुलनशील है। ओके, कौन से विटामिन के ई डी ए यानी कीड़ा। ओके, और जो बचे आपके बी और सी, वो आपके विटामिन जल में घुलनशील है, और जे विटामिन है वो आपके बसा में घुलनशील है, ठीक है, बसा में। ओके, या तेल में। ओके,
तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार बनाता रहता हूँ। और मैं इसके बाद यूनिट 16 के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे बताऊँगा आपको। उसके बाद मैं आपकी क्या कहते हैं ओटी कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है? जितनी भी ओटी कंप्लीट करवाऊँगा, ओटी रह गई हैं, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।